गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन द थर्ड साइंस क्लास। टुडे इन चैप्टर 4, दैट इज़ बर्ड्स बिहेवियर, वी विल कंप्लीट आवर एक्सरसाइज पार्ट एंड फिल इन द बुक। तो बच्चों, आज हम चैप्टर 4 बर्ड्स बिहेवियर के अंदर एक्सरसाइज पार्ट जो हमारा बचा हुआ था उसको कंप्लीट करेंगे और इसको आप अपनी बुक में साफ साफ राइटिंग में भरेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज पार्ट। एक्सरसाइज पार्ट में हमारा पहला पार्ट है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में अब आप समझने की कोशिश करें कि हम किस को किस से मैच करेंगे। जैसे कॉलम में दिया हुआ है, फर्स्ट कॉलम जो है वो हमारा है बर्ड्स का और सेकंड जो कॉलम है वो हमारा है नेस्ट का। हमें बर्ड्स को उनके नेस्ट से मैच करना है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कुकू बर्ड के बारे में, कुकू बर्ड जो है वो अपना घोंसला नहीं बनाती है। तो आप इसमें ढूंढेंगे कि नहीं बनाती है, घोंसला नहीं बनाती, तो लास्ट ऑप्शन में आप देख रहे हो डज नॉट मेक ए नेस्ट, घोंसला नहीं बनाती है। तो हम मैच कर देंगे कुकू बर्ड को डज नॉट मेक ए नेस्ट, फर्स्ट को ई से। सेकंड टेलर बर्ड, टेलर बर्ड जैसे कि नाम से है तो क्या करेगा, ये सिलाई करेगा, सिलाई को इंग्लिश में बोलते हैं हम सीविंग, तो सीव, सी ऑप्शन देख रहे हैं आप, सीव्स लीव्स टू मेक नेस्ट्स, वो पत्तियों को सिलता है टू मेक नेस्ट, पत्तियों को सिल करके क्या करता है वो मेक नेस्ट, घोंसला बनाता है। तो हम मैच करेंगे सेकंड का सी से। नेक्स्ट स्पैरो, चिड़िया के बारे में आप सभी जानते ही हैं, चिड़िया का घोंसला कहाँ होता है, वो हमारे घरों में होता है। तो इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन ए मेक नेस्ट इन आवर होम्स, हमारे घरों में मेक नेस्ट घोंसला बनाती है ये, तो इससे हम मैच कर देंगे स्पैरो को ए से। नेक्स्ट वुड पैकर, वुड पैकर जो है वो अपना घोंसला कहाँ बनाता है, तो आपको पता है इसकी जो चोंच है वो काफ़ी मजबूत होती है, तो वो अपनी चोंच की मदद से और पेड़ों की छाल को खोदते हुए और उनके अंदर छेद कर लेता है और उससे फिर उसके अंदर अपना घोंसला बनाता है। तो इसमें मैच करेंगे हम बी पार्ट से, बी ऑप्शन से। नेक्स्ट और लास्ट हमारा वीवर बर्ड, वीवर बर्ड या भैया पक्षी, भैया पक्षी का जो घोंसला कैसा होता है, बोटल शेप्ड। लास्ट हमारे पास ऑप्शन है डी, बोटल शेप्ड का होता है, बोतल जैसे आकार का, ठीक है। तो इससे हम मैच कर देंगे फिफ्थ को डी से। नेक्स्ट लुक एट द बीक, जो बीक्स हैं उनको आप देखना है एंड क्लॉज, और पंजों को देखना है ऑफ द बर्ड्स, पक्षियों के बीक्स चोंच को और पंजों को आपने देखना है। राइट द नेम ऑफ द बर्ड्स, और उसके बाद ऑप्शन में आपको मिल ही जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से आपको राइट करना है नेम ऑफ द बर्ड विद द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन इन द बॉक्स, जो यहाँ पर ये बॉक्स इसमें जो दिया हुआ है वर्ड्स दिए हुए हैं इनकी हेल्प से आपको उनके नाम भरने हैं। देखिए बर्ड्स के ये पिक्चर दी हुई है, तो फर्स्ट पिक्चर आप पहचान सकते हो इसकी चोंच को देख करके या इसके हेड पार्ट को देख करके। तो सबसे पहला जो है ये किसका है, ये हमारे ईगल का, तो इसमें हम ईगल लिख देंगे नीचे। नेक्स्ट पैरट, साफ दिखाई दे रहा है आपको इस तरह की जो चोंच है वो पैरट में होती है और फिर आप देख भी पा रहे हैं हरे रंग का है ये, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट डक है ये, ठीक है, चपटी चोंच, और अगली फिर चपटी चोंच वाला ये आ गया है, तो ये है लास्ट स्पून बिल। ओके चलिए, तो नेक्स्ट अब आते हैं फीट वाले पार्ट में।
इसमें भी ऑप्शन मिले हुए हैं हमें, ईगल, हैन, वुडपैकर, डक। आप पिक्चर को देखिए, पिक्चर में आप इनकी क्लास को देखिए ध्यान से, आप देख पा रहे हो दो टू जो टॉज हैं वो आगे की तरफ हैं और टू टॉज बैकवर्ड था डायरेक्शन में है। तो ये इस तरह की जो अरेंजमेंट है वो किस तरह की, किस में किस बर्ड मिलती है वो, तो वो मिलती है हमारे वुड पैकर में। तो वुड पैकर हम यहाँ पर नीचे राइट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट आप देख रहे हो जो पैर है इसमें, यहाँ पर टोज के बीच में जाली है। तो जाली किस में होती है, जो वाटर बर्ड्स होते हैं, और यहाँ पर वाटर बर्ड ऑप्शन में कौन सा है, तो वो है डक। यहाँ पर हम डक राइट कर देंगे नीचे। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो पंजा दिख रहा है वो कुछ क्लियर हो नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन हम पहचान सकते हैं इसको कि जो ऑप्शन है हमारे पास उसमें से देख सकते हैं, हमारे पास बचा है ईगल और हैन। तो आप देख रहे हो कि ईगल में तो ऐसा पंजा नहीं होता है, अगर ऐसा पंजा होता तो फिर ये हैन के अंदर नहीं हो सकता। तो पहला इसमें हम करेंगे हैन, यहाँ पर हैन लिख देंगे, और नेक्स्ट में ईगल, ठीक है। इस तरह के पंजों को हम क्या नाम देते हैं, खास नाम हमने दिया था इसके लिए, वो था टैलॉन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में आपको क्या हो दिया हुआ है, एक अलग तरह की एक्सरसाइज है ये। सी द फॉलोइंग पिक्चर्स, जब यहाँ पर पिक्चर जो देख रहे हो इसको आप ध्यान से देखिए, टेक द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच पिक्चर। ये पिक्चर किसकी है, सेकंड पिक्चर ये किसकी है, थर्ड पिक्चर किसकी है, हर एक पिक्चर का कोई ना कोई एक नाम है, तो वो किसकी पिक्चर है, उस वर्ड का फर्स्ट लेटर आपको लेना है। टेक द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच पिक्चर एंड राइट द नेम ऑफ द बर्ड फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग दीज लेटर, और उन लेटर्स को जोड़ने पर किस बर्ड का नाम यहाँ बनता है वो आपने पता करना है। तो फर्स्ट जो है वो वर्ड डॉल, ये एक गुड़िया है डॉल, तो इसने हम इसका हमने फर्स्ट लेटर ले लिया। नेक्स्ट अम्ब्रेला है, ये अम्ब्रेला का हमने यू ले लिया। थर्ड कैरम, इसका हमने सी ले लिया, और फोर्थ काइट का के ले लिया। तो अगर हम इन चारों लेटर्स को मिलाते हैं तो हमारे पास आता है डक, ठीक है। तो ये डक आपको इसके आगे जो ब्लैंक दिया हुआ है, एक बॉक्स दिया हुआ है, इसमें आपको राइट करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट अब आप वही सेम प्रोसीजर है यहाँ पर। ये किसकी पिक्चर है, ये तो ये है ऑरेंज की, तो ऑरेंज का हमने ओ ले लिया। नेक्स्ट पिक्चर आप देख पा रहे हो, ये है वाटरमेलन, तरबूज, इसका हमने डब्ल्यू लिया। और लास्ट लेमन, लेमन नींबू को बोलते हैं, तो ये हमने एल ले लिया इसका। तो ये क्या बढ़ गया, क्या बन गया बर्ड का नाम बताओ, तो ये बन गया आउल, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है। एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, ये जो वर्ड है आउल, ये आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है वहाँ पर, क्योंकि हम फर्स्ट लेटर ले रहे हैं, तो सभी का फर्स्ट लेटर मिला करके आपको कैपिटल लेटर में ही ये लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सेम वही आपने प्रोसीजर करना है। देखिए फर्स्ट पिक्चर किसकी है, तो ये है काऊ की, काऊ का हमने सी ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर रैबिट, तो रैबिट का हमने आर ले लिया। थर्ड पिक्चर एंट, इसका चींटी, इसका हमने ए ले लिया। नेक्स्ट नाइटिंगल, जिसको बुलबुल बोलते हैं, ये हमने ले लिया एन। और नेक्स्ट एलिफेंट का हमने ले लिया ई। तो अगर सारे लेटर्स को मिलाया जाए तो क्या बनेगा, क्रेन, ठीक है। क्रेन इसको बोलते हैं बगुला। नेक्स्ट, तो ये क्या है, ये है पी, मटर, तो हम यहाँ पर पी का पी ले लेंगे। नेक्स्ट है एप्पल, एप्पल का हमने ले लिया ए। थर्ड
रेडिस, रेडिस का हमने आर, और ये है रेसबेरी, रेसबेरी का हमने ले लिया आर, और ऑनियन का ओ, प्याज का, और लास्ट टोमेटो का टी। तो सारे लेटर्स को मिलाया जाए तो क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा पैरेट। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आपने करना है। नेक्स्ट, बर्ड सर्च में क्या है, नेम ऑफ द 8 बर्ड्स आर हिडन, 8 पक्षियों के नाम यहाँ पर एक वर्ड सर्च है उसमें छिपे हुए हैं, इन द वर्ड सर्च शोन ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाई देगा वो वर्ड सर्च जो दिया हुआ है उसमें आपको छिपे हुए 8 पक्षियों के नाम ढूंढ कर निकालने हैं। सर्च देम हॉरिजॉन्टली, या तो उसको आप बाएं से दाएं या लेफ्ट टू राइट आप सर्च कर सकते हो, या फिर वर्टिकली मतलब अप टू डाउन। ठीक है, तो इस तरह से 2 तरीके से आप सर्च कर सकते हो। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द क्लूज़, आप क्लूज़ का हेल्प ले सकते हो गिवन बिलो, जो यहाँ पर दिए हुए हैं 8 क्लूज़ दिए हुए हैं हर एक बर्ड के लिए, तो आप इन क्लूज़ को समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग उस बर्ड के नेम को सर्च करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें यहाँ पर ये पिक्चर दी हुई है बर्ड्स की, ये 8 पिक्चर्स हैं, 4 इधर हैं 4 इधर हैं, और बीच में दिया हुआ है आपका ये वर्ड सर्च बॉक्स। तो फर्स्ट सर्च, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्लू के साथ। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द क्लूज़, तो फर्स्ट क्लू है हमारा ए लार्ज बर्ड विद स्ट्रॉन्ग एंड हुक्ड बीक, एक बड़ा पक्षी होता है, काफ़ी बड़ा पक्षी होता है विद स्ट्रॉन्ग एंड हुक्ड बीक, जिसकी जो बीक है वो कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और हुक्ड होती है मतलब मुड़ी हुई आगे से। इट ईट्स डेड एनिमल्स, ये मरे हुए जानवरों को खाता है। तो कौन सा बर्ड है आप पिक्चर में देख सकते हो, तो वो है हमारा ये, क्या नाम है इसका, इसमें 2 ही बर्ड्स है जो हम कह सकते हैं 3 बर्ड्स, पीकॉक, वल्चर एंड ईगल। तो ये पैरट पीकॉक नहीं है, ठीक है, ये ईगल भी नहीं है, तो क्या है ये, वल्चर। तो वल्चर हम सर्च करेंगे इस बॉक्स के अंदर, वो सर्च कहाँ है, वो बॉक्स में कहाँ दिया हुआ है, तो वो है यहाँ पर ये रहा। ठीक है, तो आप इसको पूरा का पूरा ऐसे पेंसिल से बाउंड्री पर इसके पेंसिल चलाएंगे और इसको पूरा कवर कर देंगे जहाँ तक पूरी स्पेलिंग आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगर आप चाहें तो रंग भी भर सकते। नेक्स्ट क्लू है हमारा द स्मॉलेस्ट बर्ड विद लॉन्ग पॉइंटेड बीक, एक सबसे छोटा पक्षी होता है, ये साइज में सबसे छोटा पक्षी होता है विद लॉन्ग पॉइंटेड बीक, जिसकी जो बीक है वो काफ़ी लंबी होती है और पॉइंटेड होती है मतलब नुकीली होती है, तो ऐसा कौन सा पक्षी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो पिक्चर में कौन सा है, तो ये रहा हमारा, इसको बोलते हैं हम, देखो ये पिक्चर दोनों थोड़ा सा मिसमैच करेंगी, जो हमिंग बर्ड है उसकी गर्दन पे आप देखेंगे तो वो ब्लू कलर का नज़र आएगा, और जो ये दूसरा दिया हुआ है इसमें आपको ये डिफरेंस मिलेगा, उसमें हमिंग बर्ड में जो होता है यहाँ पर गर्दन के पास ब्लू कलर होता है, और जबकि इसमें ब्लू कलर नहीं है, ये दूसरा है। आप इसके कलर से सन के कलर को मैच कर सकते हैं, जो सूर्यास्त के समय या सूर्योदय के समय जो होता है, तो इससे आप याद रखोगे ये सन बर्ड है। ठीक है, तो सन बर्ड कहाँ पर है ये आपको सर्च करना है, ये इस साइड में रहा सन बर्ड। ठीक है, सेम वही तरीका, इसको हम हाईलाइट करेंगे ऊपर से नीचे तरफ पूरा सर्कल कर देंगे, या इसको बाउंड्री पर हम पेंसिल ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्लू है हमारा इट यूजेज इट्स बीक टू ड्रिल वुड, ये अपनी चोंच का इस्तेमाल करता है टू ड्रिल, ड्रिल का होता है छेद करना, वुड में लकड़ी में छेद करने के लिए करता है, टू फाइंड इंसेक्ट्स, कीड़े या छोटे जो कीड़े कीट होते हैं उनको ढूंढने के लिए। तो वो कौन है, तो
तो वो है हमारा ये, क्या नाम है इसका, इसका नाम है हुपी, ठीक है। तो ये है हमारा हुपी सर्च बॉक्स के अंदर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्लू है हमारा द वाटर बर्ड विद वेब्ड क्लॉज। वाटर बर्ड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पानी में रहने वाला, और वेब्ड क्लॉज होते हैं इसके, जालीदार पंजे होते हैं, तो वो कौन है, तो है हमारा ये डक। ये डक है, और डक सर्च बॉक्स में कहाँ पर है, तो ये रही हमारी सर्च बॉक्स के अंदर डक, DUCK डक। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्लू देखिए, इट नेवर बिल्ड नेस्ट, ये अपना घोंसला कभी नहीं बनाती। इट नेवर बिल्ड इट्स नेस्ट, अपना घोंसला कौन नहीं बनाता है, तो वह है कुकू। कुकू कहाँ पर है, ये देखिए, ये रही कुकू, और कुकू सर्च बॉक्स में कहाँ पर है, ये रही सर्च बॉक्स के अंदर कुकू, CUCKOO, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लू, इट मेक्स इट्स नेस्ट बाई सीविंग लार्ज लीव्स, ये अपना घोंसला बनाता है बाई सीविंग, सीविंग कह लो सिल करके, लार्ज लीव्स बड़ी बड़ी पत्तियों को आपस में सिल देता है और उससे अपना घोंसला बनाता है, तो वो कौन है, तो आपको पता है ये है हमारा टेलर बर्ड, ठीक है। टेलर बर्ड यहाँ पर क्या है, देखो सबसे टॉप पर है ये हमारे, ये टेलर बर्ड, स्पेलिंग पूरी क्रॉस में जा रही है लेफ्ट टू राइट, तो उसको पूरा का पूरा अलग मार्क करके दिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्लू है द नेबरहुड बर्ड। नेबरहुड बर्ड मतलब हमारे पड़ोस में ये रहता है, पड़ोस में हमारे घर में ये पाया जाता है, इसको हम नेबरहुड बर्ड बर्ड बोलते हैं इसको। दैट मेक्स नेस्ट इन आवर होम, जो हमारे घरों में ही घोंसला बनाता है, हमारे आसपास ही रहता है, तो वो कौन है, तो वो है स्पैरो, ठीक है। वर्ड सर्च में कहाँ पर है ये रही स्पैरो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और ये लास्ट है हमारा ए वेडिंग बर्ड, पानी में लंबी टांगों वाला, विद लॉन्ग लेग्स, लंबी टांगों वाला एक वेडिंग बर्ड है, पानी में चलता है ये। तो एक बचा हुआ हमारे पास पिक्चर, ये पिक्चर किसकी है, तो ये पिक्चर है क्रेन की, और सर्च बॉक्स में कहाँ पर है ये लास्ट में सबसे नीचे की तरफ, ये रहा क्रेन, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, इनको आप फिल करेंगे और अपनी बुक में फिल उसमें लर्न करेंगे, ओके। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो टेस्ट हम ले रहे हैं क्लास टेस्ट के रूप में या मंथली टेस्ट के रूप में, आप उन किसी भी टेस्ट को ना छोड़ें। ये देखिए अभी टाइम ऐसा ही चल रहा है हमारा, रेगुलर क्लासेस कब स्टार्ट होंगी इसका कुछ पता नहीं है, जब तक ये बीमारी चल रही है तब तक हम नहीं कह सकते, तो इस दौरान आप लापरवाही ना करें, जो टेस्ट आता है आपका उसको ईमानदारी से और रेगुलर आप उसको दें, ठीक है। ओके बाय बच्चों।